बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहनवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फेस फेलियर रिले के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल नदीम शाहनवी इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको एक नए आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी दोस्तों, चलो चलते हैं वीडियो की जानिब। ये है रिले, ज़हरा कंपनी का नाम है, मेड इन जर्मनी, ये जर्मनी की रिले है। तो इससे मिलती जुलती चाइना की भी मिलेंगी आपको मार्केट में, डुप्लीकेट बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, उससे बचना है आपने। इसका मॉडल नंबर है RST25 फेस फेलियर ले। तो जो जो इसकी चीज़ें हैं, इसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, फेस फेलियर, फेस सीक्वेंस और एस्मेटिक्स और बहुत सारी चीज़ें, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और तमाम की तमाम चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जाता है। चलो चलते हैं, इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी दोस्तों, जो है इसका मुखड़ा आप देख सकते हैं, इसको हम निकाल लेते हैं डब्बे के अंदर से ताकि आपको इसकी असल चीज़ यहाँ पर दिखा दी जाए। ठीक है दोस्तों, ये है आपके सामने इसकी असल चीज़ जो आपके देख सकते हैं। ये है इसके लॉक वाली साइड, बैक साइड जिसे कहते हैं, और ये है इसका मॉडल नंबर जो कि बाहर आपने देखा है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते चलें बहुत सारी चीज़ें जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम की तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ इंडिकेशन भी मिलेंगी, कुछ यहाँ पर वेरिएबल भी मिलेंगे, कुछ डाटा लिखा हुआ भी मिलेगा और कुछ यहाँ पर टर्मिनल्स भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर N L1 L2 L3 L PE 11 12 14 तमाम की तमाम चीज़ें हम बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। जी दोस्तों, चलो चलते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले हम बताते चलें आपको इसको सप्लाई कहाँ कहाँ पर देनी है। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर N लिखा हुआ है, तो N का मतलब यहाँ पर आपने न्यूट्रल प्रोवाइड करनी है। L1 L2 L3 यहाँ पर आपने रेड फेस, येलो फेस, ब्लू फेस प्रोवाइड करना है। अगर आपने फेस की सीक्वेंस गलत दे दी तो यहाँ पर ये ऑफ का निशान, ऑफ की LED ये चलने लग जाएगी और ये यहाँ से आपको सप्लाई कट ऑफ कर देगी। जी दोस्तों, ये किस किस सूरत में काम नहीं करेगी, अगर आपकी न्यूट्रल मिस हो गई तब भी ये काम नहीं करेगी, अगर आपका L1 मिस हो गया तब भी काम नहीं करेगी, L2 L3 इन तीनों में से कोई भी फेस मिस हो गया या फिर इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई, रेड की जगह येलो लग गया, येलो की जगह ब्लू लग गया, ब्लू की जगह रेड लग गया, इन तीनों में से किसी की भी जगह चेंज हो गई तो आपको ये रिले आपका जो सिस्टम है उसको ऑन नहीं कराएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपकी लगेगी न्यूट्रल की वायर, यहाँ पर रेड, यहाँ पर येलो फेस, यहाँ पर ब्लू फेस लग जाएगा। अब ये L, इन तीनों में से कोई भी फेस आपने लेना है और यहाँ पर L पर लगा देना है लाइन। इस रिले के जो NC पॉइंट हैं, NO पॉइंट हैं, कॉमन पॉइंट हैं, उनको सप्लाई जाएगी इसकी मदद से। चाहे आप L1 से तार ले लें, चाहे L2 से ले लें, चाहे L3 से ले लें, एक तार का लूप लेना है आपने, यहाँ पर लगा देना है L पर। ठीक हो गए दोस्तों। जी दोस्तों, फिर आपने क्या करना है, यहाँ से एक तार का पीस लेना है, यहाँ से लेके आपने L से तार का एक और पीस लेना है, यहाँ से लेके आपने लगा देना है 11 नंबर पर, क्योंकि 11 नंबर इसका कॉमन पॉइंट है नॉर्मल पोजिशन में, 14 नंबर इसका NO है और 12 नंबर इसका NC है। तो आपने करना क्या है, जब आप इसको सप्लाई देंगे तो इसके पॉइंट जो हों वो चेंज हो जाते हैं, 14 NC हो जाता है और 12 NO हो जाता है। तो आपने क्या करना है, 11 ये L से वायर का एक पीस लेना है, 11 नंबर पर दे देना है। जब आप इसको एनर्जाइज करेंगे तमाम चीज़ें क्लियर होंगी, न्यूट्रल भी आ रहा है, L1 L2 L3 आ रहा है, तो यहाँ पर आपको फेस यहाँ पर शो करेगा, जब आप टेस्ट लगाएंगे यहाँ पर आपको फेस शो करेगा, यहाँ से आपने तार लेनी और मतलूबा सर्किट तक पहुँचा देनी है। अगर आपने ट्रिपिंग के लिए कोई और या फेस फेलियर के लिए कोई इंडिकेशन लगानी है, यहाँ से आपने तार लेनी है, वो आपने अपनी लाइट में लगा देनी है और न्यूट्रल की तार आपने यहाँ से लेनी है, वहाँ पर आपकी लाइट शो हो जाएगी उस वक्त जब आपकी ये रिले ऑफ हो जाएगी, ये काम करना छोड़ देगी। तो कहने का मकसद ये हुआ कि 14 नंबर से आपने अपनी आउटपुट सप्लाई लेनी है, ठीक है, 12 नंबर से आपने फेलियर की सूरत में सप्लाई लेनी है, 11 नंबर आपका कॉमन हो गया। PE का मतलब है जी अर्थिंग, यहाँ पर इस रिले की, फेस फेलियर रिले की अर्थिंग की तार यहाँ पर लगेगी, जो भी आपके पास अर्थिंग की तार होगी वो आपने यहाँ पर लगा देनी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंडिकेशंस की, L1 L2 L3 ये तीनों फेसों की LEDs लगी हुई यहाँ पर, ये ऑफ की LED है, जब रिले काम करना छोड़ देगी इनके फेलियर की सूरत में ये वाली इंडिकेशन चलेगी, और जब ये रिले ऑन हो जाएगी उस सूरत में ये वाली इंडिकेशन ऑन चलेगी। अच्छा जी, ऑन होगी
तो यहाँ पर आ जाते हैं यू नेगेटिव यू पॉजिटिव और टाइम डिले, इसका क्या मकसद है जी? ये है लेस देन वोल्टेज, ये है ग्रेटर देन वोल्टेज और ये है टाइम डिले सेकंड। ये है 320 वोल्टेज से लेके 440 वोल्टेज तक, यहाँ तक इसकी सेटिंग है। तो इसको आपने सेट करना है ज़्यादा से ज़्यादा 380 वोल्टेज पर। ये देखें ये तीर का निशान बना हुआ है, ये इसको आपने इस तरह से ये तीर बना हुआ है छोटा सा, ये देखें इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। मिनिमम वोल्टेज 370 हो गए और मैक्सिमम वोल्टेज जो है इसके होने चाहिए 440। जी दोस्तों ये हो गए इसके मैक्सिमम वोल्टेज। जी दोस्तों यहाँ पर ये मिनिमम वोल्टेज 370 हो गए और मैक्सिमम वोल्टेज आपके हो गए 440। 440 से लेके आप थोड़ा सा इसको लेकर चलते हैं 450 तक, मैक्सिमम वोल्टेज आपके 450 होने चाहिए। जी दोस्तों 450 की रेंज तक हमने इसको जो है सेट कर दिया है यहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि ये टाइम डिले सेकंड, जब भी कोई फॉल्ट आए या न्यूट्रल मिस हो जाए या इन तीनों में से किसी के वोल्टेज डाउन हो जाए या फिर कोई फेस मिस हो जाए, पीछे से तार कट हो जाए, वापड़ा की तरफ से फेस मिस हो जाए, तो ये कितने सेकंड के अंदर आपके सिस्टम को ट्रिप कर देगी, ये इसके ऊपर टाइम यहाँ पर एडजस्टेड है 0 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक। तो आपने इसका जो टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड आपने यहाँ पर करना है। 2 सेकंड बहुत ज़्यादा टाइम है 3 फेज के लिए, तो आंख पकने की देर होती है, मोटर उसी वक्त ब्लास्ट हो जाती है, मगर फिर भी हम यहाँ पर इसका 2 सेकंड का टाइम एडजस्ट कर रहे हैं ताकि 2 सेकंड के अंदर अंदर अगर आपका जो सिस्टम है क्लियर हो जाता है ठीक है, अदरवाइज ये रिले आपको ट्रिपिंग दे देगी। ट्रिपिंग होने की सूरत में ये वाली इंडिकेशन ऑन हो जाएगी और आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। फिर आप आएंगे अपने सिस्टम को चेक करेंगे, तमाम के तमाम फेस चेक करेंगे, न्यूट्रल चेक करेंगे और वोल्टेज चेक करेंगे, उसके बाद आप इसको ऑन करवा सकेंगे। जी दोस्तों ये थी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन फेस फेलियर ले के बारे में। ये फेस फेलियर है ज़ारा की, शनाइडर की जब हमारे पास आएगी या दूसरी कंपनी की हमारे पास फेस फेलियर ले आएगी, उसके फंक्शन कैसे होते हैं, उसके कनेक्शन कैसे होते हैं, उसकी सेटिंग कैसे होती है, वो वीडियोस भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। जी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है इसका हमें कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना है कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। जी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उन दोस्तों का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा जो आपको बहुत सारा ख्याल रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।